हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। सो कैसे हैं आप सब? मौसम बहुत अच्छा हो रहा है चंडीगढ़ में आज, तो मैं भी थोड़ा तक है, मूड अच्छा है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आपको पता है हमारा यूनाइटेड नेशन के ऊपर सीरीज चल रही है, पंजाब पीसीएस के लिए जो हमने एक फ्री कंटेंट कोर्स हमारा चल रहा है, उसके अंदर आपको मैं एक हमारी यूनाइटेड नेशन की सीरीज चल रही है जो मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। कल एक्चुअली ट्यूजडे को ऑफ होता है हमारा, तो कल आपकी वो क्लास नहीं आई थी, तो आज आपके यहाँ पे अब फिर से हम क्लास रिज्यूम कर रहे हैं। ओके, आज जैसा कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा, हमने मेजरली बात करनी है किसकी? एक इंपॉर्टेंट स्पेशलाइज्ड एजेंसी की। जो हमने पिछली बार किसकी की थी, हमने आईएमएफ की बात की थी हमने, और वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में बात की थी। आज का हमारा जो एजेंडा है, व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज अगेन स्पेशलाइज्ड एजेंसी। और स्पेशलाइज्ड एजेंसी के अंदर जो मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेशलाइज्ड जो अभी तक है एजेंसी है स्पेशलाइज, उसके बारे में हम बात करेंगे हम। ओके, तो ये है जो आपको दिख नहीं रहा होगा स्क्रीन पे, मुझे को पता है ये जो है स्ट्रक्चर इसका। तो हाँ, तो स्पेशलाइज्ड एजेंसी के अंदर एक एजेंसी आती है हमारी, कौन सी? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये देखो, ये चार्ट है, ये आपको गूगल पे मिल जाएगा, और मैं आज अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी डाल दूंगा इसको। ओके, लिंक मैंने नीचे दिया है, वहां से आप वो चैनल है ज्वाइन कर सकते हो। अभी पीडी आईएएस के नाम से चैनल है टेलीग्राम, ढूंढ लेना और उसमें आप वहां पे ज्वाइन कर लेना। ओके, चलिए, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है जो आईएलओ, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। जैसा कि अभी मैं एक बार आपको क्विक रिकैप दे देता हूं कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूनाइटेड नेशंस, दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड दिस इमेज अगेन। सो अगेन द यूनाइटेड नेशंस एंड इट हैव फाइव प्रिंसिपल ऑर्गन्स, सॉरी सिक्स प्रिंसिपल ऑर्गन्स। फर्स्ट इज जनरल असेंबली, सेकंड इज सिक्योरिटी काउंसिल, थर्ड इज इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, देन सेक्रेटेरिएट, देन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, एंड देन द ट्रस्टीशिप काउंसिल। ओके, एंड उसके अंदर जो नेक्स्ट हायरार्की के अंदर आता है, वो आती है आपकी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, जो हम अभी कवर कर रहे हैं। ओके, उसके अलावा कुछ हम फिर एमसीक्यूज के थ्रू कवर करेंगे प्रोग्राम्स एंड फंड्स को भी, जो जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के अंदर जो पूछे जा सकते हैं, क्योंकि एक एक को अगर पढ़ेंगे हम तो उसमें क्या है काफी टाइम लग जाएगा। देन वी विल कवर इट इन वन सेशन, वन लाइव सेशन लूंगा मैं, और उसके अंदर हम सारे के सारे एमसीक्यूज जो इनसे रिलेटेड है वो सारे के सारे आपको कवर करवा देंगे। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, चलिए स्टार्ट करते हैं एकदम क्लास अपनी, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री जो है, द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ, इट गोज बैक टू द ट्रीटी ऑफ वर्सालिस। अब ट्रीटी ऑफ वर्सालिस के बारे में आपने पढ़ा था। ओके, वर्ल्ड वॉर टू जब खत्म हुई तो इसे पीस ट्रीटी था, ये वर्सालिस के अंदर हुआ था। इससे पहले जब हम बात कर रहे थे यूनाइटेड नेशन की हिस्ट्री के बारे में, जब बात कर रहे थे, एट दैट टाइम हमने देखा था कि जो ट्रीटी ऑफ वर्सालिस है उससे लीग ऑफ नेशंस क्रिएट हुआ था, लीग ऑफ नेशंस क्रिएट हुआ था। बट द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज द ट्रीटी ऑफ वर्सालिस से ही यहां पे आपका आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी स्टार्ट हुआ था। तो ऑटोमेटिकली आपका जो आईएलओ कब स्टार्ट हुआ, एक तरह से 1919 के ट्रीटी। तो तीसरी बात, नेक्स्ट चीज जो आपको इस एक इंफॉर्मेशन से पता चल जाती है, अमंग द ऑल द स्पेशली डिजाइन जो भी अपने फंड्स चलते हैं, ओके, उन सब के अंदर जो आईएलओ है, आईएलओ इज ओल्डेस्ट, इट इज द ओल्डेस्ट, या फिर हम कहेंगे द फर्स्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी, फर्स्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन। फर्स्ट स्पेशलाइज एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन कौन सी होगी? आईएलओ। और उसकी हिस्ट्री कहां ट्रेस बैक की जा सकती है? ट्रीटी ऑफ वर्सालिस, विच वॉज इन 1919 आफ्टर द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर वन। ओके, सो इट इज अ इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन विच आई हैव गिवन यू हियर, एंड यू शुड नोट डाउन दिस। इसीलिए मैंने स्लाइड्स की जगह मैं आपको ऐसे पढ़ा रहा हूं इसके अंदर, अदरवाइज आई कुड हैव टेकन अप द स्लाइड्स। स्लाइड्स के अंदर क्या, बच्चा थोड़ा सा कई बार आलस कर जाता है कि यार छोड़ो, जाने दो, क्या लिखना है। ओके, बट इफ यू नीड दिस स्लाइड और जो स्पेशली द इमेज विच आई हैव जो दिख नहीं पाती क्लियर, तो यू कैन ऑलवेज ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप आई कैन। ओके, मैं आज हर बजे डालता नहीं हूँ, लेकिन आज मैं एक लिंक डालने वाला हूँ टेलीग्राम ग्रुप के अंदर अभी पीडीआईएस का, वहाँ से आप अपना टेलीग्राम हमारा चैनल ज्वाइन करके आप ये कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़े, चलिए आईएलओ की सबसे पहली बात ये है, तो फर्स्ट स्पेशलाइज एजेंसी। आफ्टर दैट आज के दिन नेक्स्ट बेसिक चीज क्या होती है, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर। अगेन नॉट ऑल 193 मेंबर्स आर मेंबर्स ऑफ आईएलओ, ओनली 187 members are there, 187 members are there of International Labour Organization।
अगला इसका हेडक्वार्टर कई बार पूछ लेते हैं, अगर वैसे तो पूछेंगे नहीं, स्टिल मैं आपको बता देता हूं, पिछली बार मैंने नहीं कवर करवाया था तो काफी बच्चे कह रहे थे कि सर बताए, तो जिनेवा में स्विट्जरलैंड, आपको पता है अपना जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर ये इसका हेडक्वार्टर है। ओके, अब ये होगी बेसिक बेसिक बात। अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, जो वो है ट्रीटी ऑफ वर्सलिस के बारे में आपको पता होना चाहिए, और दूसरा आपको यहां पे इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। ओके, अब काम क्या करती है आईएलओ, आईएलओ तीन चीजों के बीच में मेडिएटर का काम करती है। ओके, तीन एक तरह से एजेंसी है या फिर तीन जो एक इनके जो ट्राइपार्टाइट ये काम कर रहे हैं। ओके, तो जो सबसे पहला काम करती है वो रिप्रेजेंट किस किस को करती है, आईएलओ तीनों के हिस्सों को यहां पे एक तरीके से इंटरेस्ट को, ठीक है, तीन सेक्शंस के इंटरेस्ट को यहां पे वो हाईलाइट करने की कोशिश करती है। जो पहला इंटरेस्ट क्या है वो है गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट लेबर से आपको पता चल गया लेबर वेलफेयर का ही काम करती है। उसके बाद सेकेंड है एम्प्लॉयर्स, एंड थर्ड है अपने लेबर, या फिर स्लैश हम इसको वर्कर भी बोल सकते हैं, वर्कर भी बोल सकते हैं हम इसको। अब इन तीनों के अंदर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, मेडिएट करके या फिर कुछ कानून बना के या फिर कुछ कन्वेंशन सेट करके, व्हाट दे डू कि इन तीनों के तीनों का इंटरेस्ट है वो बना रहे, मतलब कि गवर्नमेंट का इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए एम्प्लॉयज को नुकसान ना हो, एम्प्लॉयज का अगर इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए लेबर का नुकसान ना हो, और लेबर का वेलफेयर हमेशा वो टॉप पे रहना चाहिए। और ये भी नहीं कि सिर्फ लेबर लेबर का हमने देख लिया और उसके बाद गवर्नमेंट और एम्प्लॉयर जाए भाड़ के अंदर, क्योंकि अदरवाइज तो आपको भी पता है अगर गवर्नमेंट काम नहीं करेगी या फिर एम्प्लॉयर्स काम नहीं करेंगे तो बिजनेस कैसे आएगा, और बिजनेस नहीं आएगा तो आफ्टर दैट ऑब्वियसली बात है लेबर को भी चाहिए। तो इन सबका इंटरेस्ट को बैलेंस करने के लिए ये यहां पे यह जो काम करती है, ओके, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अब ये काम कैसे करती है, इनके कुछ कन्वेंशन है, टोटल इनके कितने कन्वेंशन है, 8 कन्वेंशन है, टोटल इनके 8 कन्वेंशन है, ठीक है, ये इनके 8 कन्वेंशन है जिनके थ्रू ये सारे के सारे काम करती है। ओके, तो सर आप पहली चीज जो पहला कन्वेंशन जो काम कर कोर कन्वेंशन है उसमें से है। अब ये कन्वेंशन किस चीज से रिलेटेड है ये देखो आपको पता चलेगा, ये फंडामेंटल या फिर ह्यूमन राइट से ये रिलेटेड रहते हैं, कि लेबर का जो फंडामेंटल राइट है उसका हनन नहीं होना चाहिए, दैट शुड नॉट बी वायलेटेड, द राइट्स ऑफ द लेबर शुड नॉट बी वायलेटेड, बिकॉज इट वॉज इन वर्ल्ड वॉर 1 लेबर की हालत बहुत खराब थी, उनसे ज्यादा काम करवाया जा रहा था बिकॉज ऑफ वॉर की सप्लाईज पूरी करने के लिए एट दैट टाइम वो करना पड़ रहा था उनको, इसीलिए ये वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बनी थी ये। और इन्होंने टोटल 8 कोर कन्वेंशन है इनकी जो आपको सारी की सारी एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए। इसमें से कुछ कन्वेंशन ऐसी भी हैं जो इंडिया ने साइन करी हैं और कुछ ऐसी हैं जो इंडिया ने साइन अभी तक नहीं की हैं, वो सारी हम एक इस स्लाइड के अंदर आपको पता चल जाएगा। देखिए जो पहली कन्वेंशन है वो फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन, फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन, ये वाली जो इमेज है मैं डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। सेकंड है जो एबोलिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन, अगेन समझ रहे हो, देखो नंबर आपको कुछ कुछ के याद करने पड़ेंगे, कुछ कुछ के याद नहीं करने पड़ेंगे। ओके, अब देखिए फोर्स्ड लेबर और उसका जो उसका एबोलिशन करने का ये वाला। नेक्स्ट है इक्वल रिम्यूनरेशन, मतलब कि जो विमेन है और मैंने उनको बराबर पैसा मिलना चाहिए अगर एक काम कर रहे हैं तो, इक्वल रिम्यूनरेशन। नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेशन, जो अलग अलग टाइप की डिस्क्रिमिनेशन होती है जो काम करते हैं उनको खत्म करने के लिए। नेक्स्ट है मिनिमम एज कन्वेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट, वाई आगे मैं आपको बताऊंगा, इंडिया ने रिसेंटली इसको साइन किया, ये आपको डिटेल में आज मैं करवाने वाला हूं, वेरी इंपॉर्टेंट मिनिमम एज कन्वेंशन। नेक्स्ट है वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया ने रिसेंटली साइन किया है। ओके, उसके बाद फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड कन्वेंशन, राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग कन्वेंशन, ये सारे के सारे यहां पे है। अब वैसे तो आप कहोगे सर ये 2017 में इंडिया ने साइन की है, बट स्टिल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अभी जब भी यूपीएससी में या किसी स्टेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर किसी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है तो मेजरली इन दो कन्वेंशन से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, अब इसके बाद आप देखिए कन्वेंशन नंबर 87 एंड 98 जो सातवें और आठवें नंबर के ऊपर है, ये कन्वेंशन इंडिया ने साइन नहीं किए, मतलब कि रेटिफाई नहीं किए, साइन किए बट रेटिफाई नहीं किए इंडिया ने। ओके, मतलब कि हम इस कन्वेंशन पे नहीं चलते हैं, जो यहां पे राइट टू ऑर्गेनाइज कलेक्टिव बार्गेनिंग कन्वेंशन एंड फ्रीडम ऑफ ऑर्गेनाइज्ड, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड कन्वेंशन, ये वाली कन्वेंशन हमने रेटिफाई नहीं किए, मतलब हमारे ऊपर ये लागू नहीं होती है। ओके, चलिए इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट और भी क्वेश्चन है जो ज्यादातर बच्चे मिस कर देते हैं, दैट इज अब दुनिया के सारे देश तो इतने इंडस्ट्रियलाइज नहीं है ना कि उनके अंदर लेबर इतनी हो और वो काम करे, बहुत छोटे छोटे भी देश हैं, इसीलिए यूएनओ ने कुछ चीफ इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस देश बनाए हुए हैं।
ओके ये वाली चीज है आईएलओ ने, सॉरी मैं यूएनओ कह रहा हूं, चीफ इंडस्ट्रियल इंपोर्टेंस, ये इन्होंने कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज को दे हैव यू नो नॉमिनेटेड एयर, तो ये वाले जितने भी देश हैं इनको वो मानते हैं चीफ इंडस्ट्रियल इंपोर्टेंस नेशन। उसके अंदर कौन कौन आता है, टोटल 10 है, प्लीज आपको पता होना चाहिए, आपको एलिमिनेशन से आ सकता है। पहला है आपका ब्राजील, दूसरा आपका चाइना, थर्ड फ्रांस है, चौथा जर्मनी है, पांचवा इटली है, सॉरी पांचवा इंडिया है, छठा इटली है, जापान है, रशिया है, यूके है एंड यूनाइटेड स्टेट। देखिए सारे के सारे जो मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन है, ओके इंडिया भी है इसमें, तो मतलब हम भी इंडस्ट्रियलाइज्ड हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके जितने भी इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन है इंक्लूडिंग चाइना, जो कि मैक्सिमम इनकी बात मानता भी नहीं है, इन्होंने कहा है कि यहां पे हमें ज्यादा ध्यान देना है। दीज आर द मोस्ट इंडस्ट्रियल इंपोर्टेंस नेशन है ये, और यहां पे लेबर बहुत ज्यादा है और उनके वेलफेयर के ऊपर ध्यान देना है। तो एक तरीके से आईएलओ की नजर इन 10 देशों के ऊपर हाईएस्ट रहती है कि इनके अंदर कहीं लेबर के जो राइट्स हैं वो वायलेट तो नहीं हो रहे, यहां पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयर और लेबर के बीच में बैलेंस है या नहीं है, ये सारी चीजें उनको वो देखनी पड़ती है वहां पे। ओके समझ में आ रहा आपको, होपफुली आ रहा होगा, अदरवाइज यू कैन ऑलवेज आस्क इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, यू कैन ऑलवेज आस्क इन द चैट एज वेल एज इन द कमेंट बॉक्स। ओके लेट्स अगला, नेक्स्ट इज रिसेंट एक डेक्लेरेशन है, डेक्लेरेशन ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड राइट्स एट वर्क। इस डेक्लेरेशन के बारे में काफी न्यूज में रहा था ये, और आपको ये भी पता होना चाहिए ये इसमें किस किस की बात करता है। अगेन ये जो बात करता है इस डेक्लेरेशन के अंदर, फोर्स्ड और कंपल्सरी लेबर को खत्म करने की आईएलओ की डेक्लेरेशन है, ठीक है, फोर्स्ड एंड कंपल्सरी लेबर को खत्म करने की बात करता है, चाइल्ड लेबर को खत्म करने की बात करता है, और फाइनली जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ऑक्यूपेशन के अंदर उसको भी खत्म करने की बात करता है। तो आईएलओ की डेक्लेरेशन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इसमें स्पेसिफिक सिर्फ तीन चीजों के बारे में बात की है, इसीलिए आपको ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए, अदरवाइज आपको जनरलाइज पैटर्न में अगर आप आंसर दोगे तो आपका यहां पे पॉइंट है वो कुछ क्वेश्चन वो मिस हो सकता है। फ्री का क्वेश्चन नंबर क्यों आपने मिस करना है, ठीक है, इसलिए तो इसलिए मैं इसको आपको इतना डिटेल में आपको यहां पे कवर करवा रहा हूं, तो यू शुड नो अबाउट दीज थिंग्स। और प्रीलिम्स के लिए थोड़ा आपको आपको पता है पंजाब का पेपर थोड़ा फैक्चुअल आता है, तो आई एम ऑल्सो बिंग फैक्चुअल हियर, कि फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए कि डिक्लेरेशन ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड राइट्स एट वर्क हमेशा कहां पे आता है, यहीं पे आपका आएगा। ओके गेटिंग माय पॉइंट ऑर नॉट, ये आपको यहां पे समझ में आना चाहिए। अच्छा एक चीज है, एक रिपोर्ट पब्लिश करती है आईएलओ, एक रिपोर्ट पब्लिश करती है आईएलओ, ठीक है, कौन सी रिपोर्ट होगी, ये है ग्लोबल वेज रिपोर्ट, कौन सी रिपोर्ट है अपनी, ग्लोबल वेज रिपोर्ट, ग्लोबल वेज रिपोर्ट, ग्लोबल वेज रिपोर्ट, ये मैं यहाँ पे स्लाइड वगैरह में डालना भूल गया। तो ग्लोबल वेज रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है आपका, ये बताता है कि वेज ये नहीं होता किस में कितनी कहाँ कहाँ पे ज्यादा ज्यादा वेज है, ये भी बताता है कि कहाँ पे मैन एंड वुमेन के अंदर जो रेम्यूनरेशन के अंदर वेज में कितना फर्क है। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, आपसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि ये कौन देता है, तो ये ग्लोबल वेज रिपोर्ट आईएलओ पब्लिश करता है, कौन पब्लिश करता है, आईएलओ उसको पब्लिश करता है। चलिए नेक्स्ट, इंडिया एंड आईएलओ, अगेन अपना तो कहानी यही आ जाती है ना कि इंडिया एंड आईएलओ, अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया है ये फाउंडर मेंबर है, इंडिया इज अ फाउंडर मेंबर, कौन है वो, एक फाउंडर मेंबर है आईएलओ के, सबसे बेसिक चीज तो ये है, इंडिया एक फाउंडर मेंबर है आईएलओ के। ओके अभी मेन इंडिया का जो रोल है या नहीं है, मेन इंडिया आज के दिन जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, वो दो कन्वेंशन से पूछा जा सकता है, कौन कौन सी कन्वेंशन से, सबसे पहला कन्वेंशन 138 एंड सेकंड कन्वेंशन 182, इन दोनों के बारे में वो यहां पे बात कर सकता है। ओके अब कन्वेंशन 138 क्या कहती है, अगर मैं लेमेन टर्म्स के अंदर आपको बोलूं तो ये कहती है कि 14 साल से कम के बच्चों के साथ आप लोगों को काम नहीं करवाना, बट अगर पीपीएससी या फिर आप यूपीएससी की भी तैयारी कर ही रहे होते हैं ज्यादातर बच्चे, उन्होंने थोड़ा सा कान अगर इधर से पकड़ा तो आप इसका आंसर दे नहीं पाओगे अगर आपको डिटेल में नहीं पता होगा। अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं, यहां पे इसको मिटा देते हैं हम अभी के लिए, अभी मैं बात कर रहा हूं कन्वेंशन 138 की। जो कन्वेंशन 138 है ये कहता है कि आपके देश के अंदर जो कंपलसरी एजुकेशन की एज लिमिट है, कंपलसरी एजुकेशन की जो एज लिमिट है, कंपलसरी एजुकेशन की जो एज लिमिट है आपके देश के अंदर इंडिया एंड आईएलओ में कंपलसरी एजुकेशन, वहां पे क्या करना है, आपने कंपलसरी एजुकेशन की एज लिमिट
से नीचे कोई भी बच्चा काम नहीं करेगा। मतलब कि अगर कंपलसरी एजुकेशन आपके देश में 10 साल तक के बच्चे को प्रोवाइड की जा सकती है तो 10 साल तक का बच्चा काम नहीं कर सकता। ये कहते हैं कन्वेंशन 138, ये बोलती है वो। अब इंडिया के केस के अंदर क्या है, राइट टू एजुकेशन जो अपना एक्ट है आर्टिकल 21A के तहत फंडामेंटल राइट्स में, उसके अंदर यह बताया गया है कि राइट टू एजुकेशन में कि 14 साल तक की हर एक बच्चे को, 6 से 14 साल के बच्चे को आपको कंपल्सरली एजुकेशन देनी पड़ेगी, स्टेट का काम है, इट इज फंडामेंटल राइट कि 14 साल तक आपकी क्या रहती है, कंपल्सरी एजुकेशन। तो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली ये कन्वेंशन क्या बैन करती है इंडिया को कि 14 साल से कम के बच्चों को आप लेबर में, किसी भी तरह के लेबर में, एनी ओके पहले क्या था, कह रहे थे कि काम नहीं कर सकते लेकिन हजारडस इंडस्ट्रीज के अंदर काम नहीं कर सकते, बट आफ्टर साइनिंग दैट कन्वेंशन इंडिया चेंज देयर लॉ और आज के दिन 14 साल से कम बच्चा लेबर में काम कर ही नहीं सकता, एक्सेप्ट फैमिली बिजनेस में अगर वो काम कर रहा है तो, या फिर वो काम कर रहा है कहां पे, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर, चाइल्ड अपने आर्टिस्ट वगैरह होते हैं वो सब ओके। तो यहीं से ही ये पूरी की पूरी जो कहानी है स्टार्ट होती थी कि इंडिया साइंड दिस कन्वेंशन 138 और वहां से फिर इंडिया ने अब 14 साल से कम बच्चों को एम्प्लॉय करना बंद कर दिया है, चाहे वो हजारडस इंडस्ट्री हो चाहे नॉन हजारडस इंडस्ट्री हो। तो दिस इज कन्वेंशन नंबर 138 विच इंडिया ने साइन किया कब, 2017 में ओके। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कन्वेंशन नंबर 182 की, किसकी बात करते हैं हम, कन्वेंशन 182। अब जो कन्वेंशन 182 है थोड़ा लंबा है, कन्वेंशन 182 कहीं ना कहीं तो ये भी रिलेटेड किससे है कहीं ना कहीं तो ये भी कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, ये भी चाइल्ड लेबर से ही रिलेटेड है कि भाई वो बैन करता है वो ओके, कि भाई कन्वेंशन नंबर 182 क्या कर देगा, वो आपको बैन कर देगा चाइल्ड लेबर को अगेन, बट इन्होंने चाइल्ड लेबर को थोड़ा सा डिफाइन कर दिया, चाइल्ड लेबर को एज ए जनरल बात करते हुए की जगह दे यूज्ड वन मोर टर्म, दे यूज्ड वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर। अभी देखिए काफी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने कही है कि चाइल्ड लेबर भी किस लेवल के ऊपर आपका क्या कहते हैं एक बच्चे को अब्यूज किया जा सकता है, उस लेवल पे गए हैं कि वर्स्ट फॉर्म क्या है चाइल्ड लेबर का ओके। उन्होंने पर्टिकुलर तीन चीजों को यहां पे टारगेट किया है कि ये आपको बैन करनी पड़ेगी ओके। तो कौन कौन सी तीन पर्टिकुलर चीजों को किया है बैन उन्होंने, ये इतना छोड़ हाँ, कौन कौन सी तीन चीजें यहां पे जिन्होंने बैन किया है उन्होंने, सबसे पहला उन्होंने जो जिस चीज के ऊपर फोकस किया है यहां इन्होंने वो है कि सबसे पहले सेल एंड ट्रैफिकिंग, सेल हो गया, ट्रैफिकिंग जो बच्चों को ट्रैफिक करते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो होती है ठीक है, बैगिंग करवाना उनसे या फिर प्रोस्टिट्यूशन के अंदर डालना, वो सारे के सारे काम इनके बच्चों का सेल करो जो भी आज के दिन होती है ह्यूमन फ्लैश के अंदर, वो बंद कर देनी कि ये तो आपका कम से कम इतना तो सरकार, अगर आपसे यूं नहीं होता कि आप घरों में काम करवाना बंद करवा सकते हो या चाय की टपरी में काम करवाना बंद करवा सकते हो, इतना तो कर दो कि एटलीस्ट ये तो नहीं होना चाहिए। तो दे वॉन्ट टू बैन द वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर ओके, ये उन्होंने बात की है। आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के अंदर इसी में इन्होंने डाल दिया, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के अंदर सलवा जुदूम के बारे में पता आपको, सलवा जुदूम एक इंडिया ने, इंडिया के अंदर एक फोर्स खड़ी की गई थी, क्या नाम है इसका, क्या नाम था, सलवा जुदूम एक फोर्स खड़ी करी गई थी किससे लड़ने के लिए, जो नक्सलाइट बेल्ट के अंदर नक्सलीज हैं उनसे लड़ने के लिए उन्होंने वहीं के लोगों की, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरियाज हैं जो, वहीं के लोगों की उन्होंने एक फोर्स तैयार करी थी कि ये इनको पता है रास्ते, पता है जंगल के बारे में, इनको वॉरफेयर के बारे में इनका पता है, तो दे कैन बी बेटर सुटेड टू फाइट विद दैट। लेकिन हमारे जो सुप्रीम कोर्ट थी, अब इसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने 18 साल से कम के बच्चों को भी उन्होंने रिक्रूट कर लिया, 14 साल के बच्चों को, 15 साल के बच्चों को उन्होंने रिक्रूट कर दिया, एंड इवेंचुअली हमारे सुप्रीम कोर्ट ने सलवा जुदूम को इलीगल बताते हुए बंद करवा दिया था ओके। दिस इज समथिंग लाइक दैट कि आप आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के अंदर बच्चों को इन्वॉल्व नहीं कर सकते, आप बच्चों को बंदूक नहीं दे सकते हाथ में कि जाओ लड़ो ओके। तो कल को अगर कोई भी देश हमारा, अगर जिसने ये साइन किया हुआ है, दे वॉन्ट कि भाई 15 साल का बच्चा भी जाके आर्मी के अंदर वो लड़े, वो नहीं लड़ेगा, वो बिल्कुल भी नहीं लड़ेगा ओके। सेकेंड चीज उन्होंने जो करवाई थी, ये फर्स्ट हमने कर ली है डिस्कस, जो सेकेंड चीज हमने उन्होंने यहाँ पे फोकस किया था
वो किया था आपका पोर्नोग्राफी के ऊपर, ओके, कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी को बैन करना है, कि यू कैन नॉट एम्प्लॉय ए चाइल्ड इन पोर्नोग्राफी इन एनी केस। पोर्नोग्राफी के ऊपर उन्होंने बैन लगाया, किसे, जो कन्वेंशन 182 से पोर्नोग्राफी के ऊपर, कि एक बार आपने बैन कर दिया, अगर आपने ILO की कन्वेंशन साइन कर ली तो यू कैन नॉट गो, कि ये तो आपको कम से कम मिनिमम करना ही पड़ेगा। तो सेकंड, यू कैन नॉट इन्वॉल्व अ चाइल्ड इन पोर्नोग्राफिक मटेरियल एनीवेयर, ना उसको प्रमोशन करने के, मतलब ना तो आप उसको पोर्नोग्राफी बनाने के अंदर उसको आप चाइल्ड को इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, उसको पार्ट बना सकते हो, दूसरा उसको बेचने को भी नहीं कह सकते कि भाई उसको बेच रहे हो उसके थ्रू। दो, प्रमोशन एज वेल एज प्रोडक्शन ऑफ पोर्नोग्राफी के अंदर आप चाइल्ड को बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं कर सकते, ओके। एंड थर्ड, वेरी इजी, अगर आप लोगों को समझ में आ ही जाएगा, थर्ड क्या होगा, थर्ड है अपना ड्रग ट्रैफिकिंग। कौन सा अपना ड्रग ट्रैफिकिंग, कि ड्रग ट्रैफिकिंग के अंदर भी आपके बच्चों के वरना होते थे पेट के अंदर डाल देते थे, पोटली वगैरह उनके आती थी वहां से बाहर से, तो आप ड्रग ट्रैफिकिंग के अंदर भी आप बच्चों को वहां पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, ओके। ये सारी की सारी बातें थी कन्वेंशन नंबर 182 के अंदर। अगली चीज जो आपको देखनी पड़ेगी इंडिया एंड ILO के अंदर, के दोनों कन्वेंशन है, मजे की बात यह, मैं इतनी देर से आपको बता रहा हूं बट फोकस आप कहोगे तो कहोगे सर क्या बता रहे हो ये, कि ये नॉन बाइंडिंग है, नॉन बाइंडिंग है। तो पहली चीज तो आप ये देखिए कि 8 कोर कन्वेंशन के अंदर से इंडिया ने पहले 4 ही साइन किए हुए थे, अब 2 किए हैं, वो भी कौन से, नॉन बाइंडिंग, ओके। तो ऐसा नहीं है कि एक बार कन्वेंशन साइन कर लिया तो अब जो इंटर जो ILO है वो चला जाएगा कहां पे, कोर्ट के अंदर चला जाएगा कि भाई इंडिया में ऐसा ऐसा नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। दे कैन नॉट सू इंडिया इन टू ICJ, वहां पे ये इंडिया को नहीं सू कर सकते बिकॉज इट इज नॉन बाइंडिंग, दोनों के दोनों जो कन्वेंशन है वो नॉन बाइंडिंग है, आपको पता होना चाहिए, वरना आपके स्टेटमेंट लिख देंगे वो कि इट इज बाइंडिंग इन नेचर दिस कन्वेंशन, तो दीज आर नॉट बाइंडिंग नेचर, ओके, ये बाइंडिंग बिल्कुल भी नहीं है, ओके। अब अगर इन दो कन्वेंशन से रिलेटेड अगर यूनियन कैबिनेट कोई फैसला लेती है तो उनको क्या पार्लियामेंट में वो पास करवाना पड़ेगा, तभी जब भी उन्होंने चाइल्ड लेबर की जो लिमिट कम की थी तो उन्होंने क्या किया था, जो कम कर दिया था, जो पहले 14 साल तक के बच्चे को आप एम्प्लॉय कर सकते थे बट हजार्डस इंडस्ट्री में नहीं कर सकते थे, अब वो कह दिया कि 14 साल से नीचे के बच्चे बैन ही है, वो काम ही नहीं कर सकते। तो ये जब कानून पास हुआ पहले कैबिनेट ने डिसीजन लिया, कैबिनेट ने डिसीजन लेने के बाद पार्लियामेंट से पास करवाया, अपने आप वो नहीं होगा, तो पार्लियामेंट से भी अगर कोई भी ILO की कन्वेंशन इंडिया साइन करता है उसके ऊपर इंडिया काम करता है तो दे हैव टू बी रेटिफाइड या फिर दे हैव टू बी पास बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो अगेन इट इज नॉट ओनली एन एग्जीक्यूटिव डिसीजन, अपनी जो पार्लियामेंट्री बॉडी है वो भी यहाँ पे एक अपना स्टेक होल्डर है, तो आपसे ये भी स्टेटमेंट आपको बोल सकते हैं कि पार्लियामेंट का इसके अंदर कोई रोल नहीं है, बट पार्लियामेंट का भी यहाँ पे पूरा रोल होता है, ओके। इसके अलावा जून 2015 में इंडिया ने ILO से ही बात करते हुए दे हैव अडॉप्टेड ए एम्प्लॉयमेंट एंड डिसेंट वर्क फॉर पीस एंड रेजिलियंस कन्वेंशन। ये कौन सी है, बड़ी है, बता देता हूं मैं आपको, एम्प्लॉयमेंट एंड डिसेंट वर्क फॉर पीस, ये एक इंडिया ने 2015 के अंदर ये अडॉप्ट किया है, एक इनकी कन्वेंशन थी, मतलब एक कुछ स्ट्रक्चर था इनका, एक गाइडलाइंस कुछ टाइप थी, मेनली गाइडलाइंस ही थी टू बी प्रिसाइज, तो गाइडलाइंस थी, इनको भी इंडिया ने अडॉप्ट किया कि हम अब इस तरीके से यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है। पीस एंड रिसिलियंस, कि हम अपने काम करने का तरीका इस हिसाब से रखेंगे कि भैया दुनिया में शांति रहे और जो हमारा इन्वायरमेंट है वो भी बचा रहे, इससे ज़्यादा इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ओके। अगेन अगर ये भी इंडिया ने गाइडलाइंस अडॉप्ट कर लिया ILO की, तो ऐसा नहीं है कि यूनियन कैबिनेट ने बस कर दिया तो कर दिया, आफ्टर दैट ये हैव टू बी पास बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ओके। ILO का स्ट्रक्चर ही कुछ इस तरीके से है, तो ILO के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जा सकती है वो मैंने आपको सारी दे दी है इस वीडियो के अंदर, इट शुड बी कंप्लीट वीडियो, आपको इसके बाहर से ILO को पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगेन इफ यू वांट दिस 2-3 इमेजेस विच आई हैव, जो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर डालूंगा, तो आप वहां से ही उठा सकते हो, तो डू ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, अभी PDIS लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर, ओके। सो थैंक यू वेरी